नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के पदों पर ये वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक एंड अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर ये वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां पर जो वैकेंसीज रखी गई हैं इनकी पूरी अपडेट आप यहां से जो है कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज की अपडेट इजीली ले सकते हैं कि कहां-कहां पर आपको जो है ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी, आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, साथ ही में दोस्तों आपके कौन से रीजन से ये वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं, तो आप जो है यहां पर अपनी कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज इजीली चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए आप जो है यहां से वैकेंसी चेक कर पाएंगे। प्रत्येक जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली हेडक्वार्टर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से दिल्ली हेडक्वार्टर की वैकेंसीज भी इजिली ही चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे जहां से भी आपको अप्लाई करना है वहां की वैकेंसीज आपको चेक कर लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज जो है यहां पर बहुत सारी और लगभग सभी जो है डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज रखी गई हैं, तो आपको जो है यहाँ पर मैं पूरी की पूरी वैकेंसीज के अपडेट नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों टोटल वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर 1521 पद जो है टोटल यहाँ पर खाली रखे गए, जिनके लिए वैकेंसीज हैं, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए 150 वैकेंसीज हैं। जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं वो 1600 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 1600 से भी ज्यादा पद यहाँ पर रखे गए। इसी के साथ में दोस्तों आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी ये आपकी mha.gov.in रहेगी, या फिर आप एनसीएस पोर्टल से जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। ncs.gov.in पर जाकर के भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में, तो देखिए आपको जो यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा ये आपको लेवल 3 से दिया जाएगा, जो कि आपकी 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक बनेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। एमटीएस पद के लिए आपको 18,000 रुपए से 56,900 रुपए तक पे स्केल दिया जाएगा, ये भी आपकी जो है काफी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर निकल करके सामने आती है। इसी के साथ में दोस्तों स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% बेसिक पे पर मिलने वाला है, तो आपकी काफी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 10th क्लास कंप्लीट किया हुआ है, मतलब कि आप 10वीं पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों आप जो है यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, जो कि 25/11/2022 तक आपकी एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसी के साथ में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। सो आप जो यहाँ से एज में जो आपको छूट मिलने वाली है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे की अपडेट के बारे में, तो आप यहाँ पर सर्विस लेबिलिटी यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ले, तो देखिए आपका जो फर्स्ट एग्जाम यहाँ पर होने वाला है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल पोस्ट के लिए आपका एक ही पेपर होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपके जो प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब की जनरल अवेयरनेस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ में न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आपके जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही में जनरल स्टडीज से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 1/4 आपकी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, सो आपको नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पर बच करके चलना है। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले एंड 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका सेकेंड एग्जाम यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ये सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए, तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम रहेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। एंड ट्रांसलेशन ऑफ ए पेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 500 वर्ड का आपको जो है ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें 40 मार्क का आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे का आपको ये टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेकंड एग्जाम रहेगा सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो इसमें आपको जो स्पोकन इंग्लिश का रहेगा, जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर आपका पर्सनलिटी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला है। सो इसके बाद में दोस्तों आपका जो टीयर 3rd यहाँ पर रहने वाला है, इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर पर्सनलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 50 नंबर का रहने वाला है। सो ये आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों आप MHA.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर NCERT.gov.in पर जाकर के भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। 5 नवंबर 2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 नवंबर 2022 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। सो 25 नवंबर 2022 तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। एंड इसी के साथ में मेल कैंडिडेट है या फिर आप जो है EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आपकी जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस आपका जो है यहाँ पर साथ में लगने वाला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपका 2 कंपार्टमेंट रहेंगे, इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस ₹50 रहेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस आपका ₹450 रहने वाला है। सो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, जिसे जाकर के आप अपना ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कैश कार्ड और वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। 29/11/2022 तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों आप यहां से जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन बेनिफिट्स, एज रिलेक्शन के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां से ले पाएंगे। बात करते हैं क्लोजिंग डेट के बारे में, तो 25/11/2022 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। सो अगर आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप 25/11/2022 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर ले। काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इनके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।